अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। तो हम आए थे रहीम स्टोर, क्योंकि हमारा जो है ऑयल ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने जाना था शॉपिंग करने। शॉपिंग के मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने कहा था एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी। तो पहले हम रहीम आ गए थे क्योंकि हमारा ऑयल ख़त्म हो गया था, और कोई और ऑयल जो है हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम प्योर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। मतलब वो वाला ऑलिव ऑयल जिसमें कैनोलिव और ऑलिव मिक्स नहीं होता, वो नहीं करते, प्योर वाला करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर हमने ऑयल लेने आना था, तो और बच्चों की चीज़ भी लेनी थी क्योंकि 15 से जो है बच्चों के स्कूल रीओपन हो रहे हैं। तो हमने जो है उन बच्चों का सामान लेना था। इस तरह के बॉक्सेस जो हैं आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखे होंगे, पूरे पूरे डब्बे ले जाती हूँ, और कभी दो चीज़ें, कभी कोई दो चीज़ें, कभी कोई दो चीज़ें, इस तरह देती हूँ। तो 20-22 दिन जो है बच्चों के गुजर जाते हैं, और हफ्ते एतवार की छुट्टी होती है इन लोगों की। तो हमने जी ये सामान ले लिया था, उसके बाद जाना था हमने जी शॉपिंग करने। और इस तरह एक दो चीज़ें लेनी थी, और लेते 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 इतना कुछ हो गया, और इतना कुछ इकट्ठा हो गया कि फिर पहले वापस जो है सामान लेके हमें घर जाना पड़ा, कि घर रख के तो उसके बाद जो है फिर हम बाज़ार जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ आई थी। मतलब अब तो मैं 6-7 महीने से ब्राइट जो है सरफ वो यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने ब्राइट सरफ लिया, तो उस लड़की एक लड़की जो वहाँ पे खड़ी होती है अक्सर, तो उसने मुझे ना वो दिया, एक ना पेपर दिया, उस पर लिखा हुआ था 13/8, मतलब 13/13 8वां महीना, और उसका नाम लिखा हुआ था आयशा, कि भैया आपने जो है ना ये बाहर जाके काउंटर लगा हुआ है ब्राइड का, वो दिखाना है, तो आपको गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो वो जो है आपको आके देखने को मिलेगा कि सरप्राइज़ गिफ्ट था वो, हमें क्या मिला है उसके अंदर। और अच्छा, कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई गिफ्ट हमें भी मिला है पर ना हमें तो कोई कोई जो है गिफ्ट आते हैं, कभी भी हमें कहीं से भी कोई गिफ्ट नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं ढूंढती फिर रही थी लेस, वो वाला फ्लेमिंग हॉट लेज में और कुरकुरे में ढूंढती फिर रही थी, मुझे कहीं भी नहीं मिला। और वोबली भी ढूंढी मैंने, वोबली एक बहुत मज़े की जो एक जेली है, बहुत मज़े की, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, बहुत सॉफ्ट भी होती है, मुंह में रख के घुलती नहीं है, दिल करता बस एकदम ही अंदर से टक लें कुछ इस तरह की वो जेली होती है, वो नहीं मिली। तो बिलाल वहाँ साइड पर गए थे अपने लिए एप्पल पाउडर लेने, और मेरे लिए रानी जूस लेने, और वोबली जो है हमें नहीं मिली। फिर जो है हम आगे चले गए थे और चीज़ें लेने के लिए। इनके लिए जरा जरा की लेनी थी, इतनी थी यार, ये भी चिप दे दी मैंने। नहीं मैं नहीं, लेस फ्लेमिंग हॉट लेकर आई मैं, इधर नहीं लगा हुआ, ये नहीं है। गिफ्ट में क्या है? बेटा बुरी बात है, काली साहब हमारा कोई गिफ्ट निकला बड़ा हम गिफ्ट दे रहे होते हैं, आज हमारा गिफ्ट लेने का दिन आया। हम दान उड़िया क्या होगा, एक आगे जाएगी, फिलहाल कोई पट्टी निकाल दो। अरे वाह, क्या निकला? ये लिक्विड वो होगा, लिक्विड सोप है ना, खुशबू के लिए, खुशबू के लिए यूज़ करने के लिए। क्या है यूज़ करने का मेथड पीछे ही है, मुझे पता है, ये खुशबू के लिए है। आ जाते हैं, ये कपड़े वॉश करने के बाद यूज़ करें। हाँ चलो,
टक्कर आ गया ना। इसके बाद जी हम चले गए थे बाज़ार, यहाँ से हमने की थी शॉपिंग, गई थी शॉपिंग। अच्छा उर्दू बाज़ार अनार के लिए में इतना रश था, अच्छा मुझे डर लग रहा था। पहली बार जो है मुझे डर लगा मोबाइल बाहर निकालते हुए, क्योंकि मैंने अभी मेरी फ्रेंड के साथ हुआ कि वो गाड़ी में थी तो उसने मोबाइल बाहर निकाला और मोबाइल जो है भाई उसका वो कोई छीन के ले गया। और उसके बाद मुझे बहुत डर लगा, मैंने जो है उर्दू बाज़ार और अनार के लिए में अपना मोबाइल ही नहीं निकाला बिल्कुल। कैसी हैं, पहचान लिया आपने? खोल तो लो, ये हेलपिनो है और वो वाला है। चीज फिर जी हम आगे थे यहाँ पर जो है बेकरी, बर्गर खाया पहले हमने, फिर हम यहाँ बेकरी आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे केक लगे हुए थे और बिलाल का प्रोग्राम था कि भाई एक भी हम भी केक ले लें, तो मैंने कहा इसके ऊपर जो सारा स्प्रिंकल हुआ है ना, जो ये मतलब वाइट और ग्रीन स्प्रिंकल हुआ है, ये कोकोनट पाउडर है और मैंने नहीं लेना, मैं नहीं खाऊंगी और तुम बच्चे वगैरह तुम लोगों से ख़त्म ही। अभी लास्ट टाइम हमारे तरफ गेस्ट आए हुए थे वो केक लेकर आए थे और वो अभी तक ऐसे रखा हुआ, जबकि मैंने उसी टाइम खोल के केक जो है सब गेस्ट के सामने लगा भी दिया, सब लोगों ने खाया भी। उसके नेक्स्ट डे भी हमारे घर गेस्ट आए तो मैंने उनके आगे भी लगा दिया था, लेकिन अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ऐसे रखा हुआ है। और मैं केक जो है उसी टाइम जो है खाती हूँ, मैं सिर्फ हिमस्टोर का केक खाती हूँ, कहीं और का मुझे पसंद ही नहीं आता केक। और उसके बाद यहाँ पर से बच्चों ने लेनी थी आइसक्रीम और डिसाइड कर रहे थे किसने कौन सी आइसक्रीम लेनी, क्योंकि हम बॉक्स ले जाते हैं, हफ्ते का हफ्ता हमारा बॉक्स चला जाता है। तो ये होता है कि बच्चे जो हैं फिर पूरा हफ्ता उनको अभी कुछ चाहिए होता है, तो फिर मैं उनको ना एक दो या दो दिन छोड़ के आइसक्रीम निकाल देती हूँ कि भाई ये खा लो। आजकल हीको की बहुत अच्छी आइसक्रीम आई है, हीको की चॉकलेट फ्लेवर बहुत मज़ेदार है और मुझे, मैं तो उसकी फ़ैन हुई हुई आज। और बच्चे जो है मेरी हुरियार नहीं खाती चॉकलेट वाली आइसक्रीम, इतने शौक से उसको थोड़ी सी जो है ना वो कड़वी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन कड़वी नहीं है, वो कहती मुझे नहीं पसंद। तो ये बिलाल के बच्चे कह रहे थे हमने ये वाली लेनी है, फिर हमने इन लोगों के लिए छोटी आइसक्रीम ली, फिर एक बॉक्स लिया जो ला के हमने फ्रीज़र में लगाया कि जी उसके बाद जो है इनको ये पूरा वीक जो है मिलता रहेगा। सैटरडे संडे को अक्सर आइसक्रीम जो है इस तरह से ही मैं लेकर आती हूँ, बिलाल ले आते हैं अक्सर, अक्सर हम बाहर जाते हैं वरना फिर हम ले आते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए बर्फ़ वाली आइसक्रीम देख रही थी, क्योंकि मैंने बर्गर खाया था और मुझे प्यास लगी हुई थी इतनी ज़्यादा, और मैं अपने लिए मैंने कहा मैं बर्फ़ वाली कोई आइसक्रीम देख लेती हूँ, तो यहाँ पर बर्फ़ वाली आइसक्रीम थी ही नहीं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर चले घर, क्योंकि 11:30 हो गए थे घर जाते जाते। ये जी अब यहाँ पे मांगे थे घर, बच्चों की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि अपनी और मेरी जूतियाँ जो हैं वो वापस उन्हीं बॉक्स में डाल ली हैं, और बच्चे जो हैं ये वाली ड्यूटी कर रहे हैं। तो अच्छा जी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।